जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम आनंद वैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद वैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने रीजनिंग की क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है घड़ी। और घड़ी जो मैं कराऊंगा, मैं बिना किसी फॉर्मूला के कराऊंगा। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक सेकेंड के अंदर घड़ी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हो। तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बड़ी ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे घड़ी को। लेकिन मेरा पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराता हूँ। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि बिना कॉपी पेंसिल उठाए, बिना इंक यूज किए, वो है ना, थिंक विदाउट इंक, उसी तरह से मैं पूरी रीजनिंग कराऊंगा आपको। आपको कहीं भी रीजनिंग में कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी इंक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंक के आप पूरी की पूरी रीजनिंग कर दोगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही हम वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम उन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। आप प्लीज पूरी वीडियो देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जिस चीज का आपको इंतजार होगा कि बिना कॉपी पेंसिल उठाए हम कैसे बिना फॉर्मूला के इसको सोल्व कर सकते हैं, वो मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर यार मेरी बताई हुई चीज अच्छी लगे, मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं दोगुनी एनर्जी के साथ आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज अगर अच्छी लगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अच्छी ना लगे तो मत करना, बेशक मत करना, लेकिन मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ कि जो मैं आज यहाँ पर बताऊंगा ट्रिक आपको, वो आपके दिमाग में इतना घर कर जाएगी कि घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फॉर्मूला के ऐसे ही कर दोगे। तो शुरू करते हैं अपना घड़ी चैप्टर। घड़ी आपने देखा होगा कि घड़ी क्या है, सर्किल है। और इसमें कितनी सुइयां होती हैं, तीन सुइयां होती है, एक घंटे की, एक मिनट की और एक सेकंड की। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे घंटे की सुई की। अगर ये हमारा सर्किल है तो सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे 360 डिग्री का। तो मैं अगर आपसे एक बात कहने लगूं कि घड़ी की घंटे वाली सुई 12 पर है और ये इस तरह से घूमती हुई वापस 12 पे पहुंच गई, तो कितने घंटे का टाइम लिया इसने, तो आप कहोगे कि 12 घंटे का। दूसरे वे में अगर मैं इस बात को कहने लगूं तो इसका मतलब है कि उसने 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण चला है, तो आप कहोगे कितने डिग्री का एंगल बना दिया उसने, 360 डिग्री का। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा बारह घंटे में बना कौन, तो आप कहोगे भाई बना दिया 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं पूछने लगूं कि घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में बना कौन कितना होगा, तो आप कहोगे कि अगर 12 घंटे में 360 डिग्री बना रहा है तो एक घंटे में बना लेगा 12 × 36, यानी कि 30 डिग्री। यहां से हमारा एक रिजल्ट निकल के आया है कि घड़ी के घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। इसको हम अलग लिख लेते हैं यहां पर कि घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। फिर अगर मैं बात करने लगूं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे कि 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रही है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री।
अगर ये 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो मैं पूछने लगू कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या होगी कि भैया 12 मिनट 60 मिनट में बना रही है 30 डिग्री का कोण, तो एक मिनट में बनाएगी 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री का कोण। तो इस रिजल्ट को भी यहां लिख लेते हैं कि मिनट एक मिनट में कितना बनाएगी 1/2 डिग्री। तो अगर बात करें यहां पर अब घंटे वाली सुई की, तो यहां से हमारे दो रिजल्ट निकल कर आए कि घंटे वाली सुई को अगर देखा जाए कि एक घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो एक घंटे में बनाएगी 30 डिग्री, लेकिन अगर मिनट में पूछा जाए कि एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी 0.5 डिग्री 1/2 डिग्री। यानी कि इस तरह से समझते हैं कि घंटे की सुई 4 पर थी और 4 से कहां पर पहुंच गई 5 पर, तो यहां से इसे 4 से 5 में पहुंचने पर कितने डिग्री रोटेट हो गई होगी है, तो आप कहोगे कि एक घंटे में होती है 30 डिग्री। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितनी रोटेट हो जाएगी 30 डिग्री, ये बात हो गई हमारी घंटे वाली सुई की। लेकिन अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट की सुई सपोज करो यहां 12 पर है और यहां से घूमकर ये वापिस इस तरह से 12 पर पहुंच गई, पर मैं आपसे पूछने लगू कि मिनट वाली सुई 12 से वापस 12 पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो आप कहोगे कि भाई एक घंटा, यानी एक घंटा में वो कितना एंगल बना देती है 360 डिग्री। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कौन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है तो एक मिनट में कितना कौन बनाएगी, तो आप कहोगे एक मिनट में बना कौन कितना हो जाएगा, एक मिनट में बना कौन कितना हो जाएगा, 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना बना देगी 60 यानी कि 6 डिग्री। तो मिनट की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाएगी 6 डिग्री। अगर आपने ये चीज समझ ली कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो पूरी क्लॉक खत्म, पूरी की पूरी क्लॉक खत्म। बस यही तीन चीज आपको याद रखनी है कि घड़ी की सुई, घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और एक मिनट में 0.5 डिग्री का यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, ये आपके माइंड में सेटअप हो गए सिर्फ तीन चीज कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री, एक मिनट में 0.5 डिग्री, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो पूरी की पूरी घड़ी खत्म। इसी से हम बिना पेन उठाए बिना कॉपी उठाए हर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ वो बात मैं बताऊंगा तुमको वीडियो के लास्ट में, पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी घड़ी के किसी भी क्वेश्चन में। तो यहां से हमारे तीन कंक्लूजन निकल कर आए हैं, एक कि घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का, मिनट में पूछे तो 0.5 डिग्री का, और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको जनरेट करके बताऊंगा कि फॉर्मूला से कैसे करते हैं, और फिर बताऊंगा बिना फॉर्मूला के कैसे करते हैं। तो पहले इन तीन चीज से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है, यहां से इसको रफ कर देते हैं। घबराओ मत, घड़ी बिल्कुल ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी घड़ी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिना पेन कॉपी उठाए इजीली कर दोगे। तो मैं पूछने लगूं कि एक घंटे में कितने डिग्री बनाती है 30 डिग्री मिनट की सुई, एक मिनट में प्लस एक मिनट में कितने डिग्री बनाती है 1/2 डिग्री, या इसको मैं लिख सकता हूं m/2 डिग्री, जहां आवर्स क्या है
घंटे, एम क्या है मिनट, यहां पर लगभग वाला साइन लगाएंगे, लगभग वाला साइन बता दो क्यों लगाएंगे, एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री बनाती है 6 डिग्री, और यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया, घंटे वाली सुई 30 डिग्री बनाती है एक घंटे में, मिनट में कितनी डिग्री बनाती है 1/2 डिग्री, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितनी डिग्री बनाती है 6 डिग्री, यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, और ये हमारा लगभग है, लगभग का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू इसकी ज्यादा होगी तो इसमें से इसे घटा देंगे, और अगर इसकी ज्यादा होगी तो इसमें से इसे घटा देंगे। अब जैसे मैं आपसे कहने लगू 7:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, टाइम दे दिया हमको 7:10, तो ये क्या है हमारी आवर्स, ये क्या है हमारे मिनट, फॉर्मूला रखते हैं आवर्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा 7, तो 7 × 30 प्लस मिनट की जगह क्या आएगा 10/2 लगभग, मिनट की जगह क्या आएगा 10 × 6 16 करेंगे तो 7 × 21 210 जमा 5 माइनस 10 × 60। अब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो इसमें से इसे घटा देंगे, अगर ये बड़ा हो जाता ये छोटा हो जाता तो इसमें से इसे घटा देते, इसलिए यहां पर ये लगभग वाला साइन लगाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा, इधर कर देते हैं 210 और 205 215 माइनस 60 डिग्री, जब 215 में से 60 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, और यहां पर 11 में से 6 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितना डिग्री बन जाएगा 155 डिग्री का एंगल इसके बीच में बन जाएगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूला में रखकर इजीली कितने डिग्री का एंगल उनके बीच में बन रहा है, दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कुछ और टाइम लेते हैं, जैसे मैं इसको एक साइड नोट डाउन कर देता हूं 7:15 पे कितने डिग्री का आया है 155 डिग्री का, मैं फॉर्मूले से करा रहा हूं अभी, मैं फिर जब आपको बिना फॉर्मूले के बताऊंगा कि कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही आप निकाल दोगे, तो ये टाइम मैं यहां लिख रहा हूं जिससे कि याद रह जाए कि हमारा ये आंसर फॉर्मूले से आया था, और बिना फॉर्मूले के हम इस आंसर को कैसे लेके आ सकते हैं वो कैसे बताएंगे, वो कुछ क्वेश्चन अभी इसमें फॉर्मूले में रख के करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी करिए, तो देखते हैं कि फिर बिना फॉर्मूले के हम इसको कैसे लेके आते हैं। तो इसको मैं इधर नोट डाउन कर देता हूं 7:10 पर एंगल कितना आ गया हमारा 155 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं इस फॉर्मूले को यहां से रफ करके यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या है हमारा H मल्टीप्लाई 30 प्लस m by 2 m गुणा 6 कुछ टाइम और लेते हैं, जैसे कि 8:20 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो फॉर्मूला में रखेंगे एच की जगह क्या रखेंगे 8 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20/2 6 × 20 8 × 24 240 जमा सिंप्लीफाई करके 10 6 × 12 120 250 माइनस 120 तो 250 में से 120 गए 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गए 1 तो कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारा 130 डिग्री का। यहां पर लाइट आ रही है, यहां पर लाइट आई हुई है, यहां से आगे यहां कर देते हैं ऊपर, यहां पर 240 और 10 250 माइनस 120
जब 250 में से 120 घटाएंगे तो 0, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा 130 डिग्री का। इसको भी यहां नोट डाउन कर देते हैं एक साइड में कि 8:20 पे फॉर्मूले में रखने पर हमारा एंगल कितना आया था 130 डिग्री। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सोल्व कर दे रफ कर देते हैं, कुछ और लेते हैं मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, कोई भी टाइम लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दो बजकर 5 मिनट पर, 2:05 पर कितना एंगल होगा, तो फॉर्मूला में रखेंगे 2×30 प्लस 5/2 लगभग 5×6, 30×60 जमा 2.5 माइनस 6×5 30, 60×2 62.5 माइनस 30, लाइट तो नहीं आ रही, ठीक है, 62.5 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 32.5 डिग्री, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा 32.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको भी लिख देते हैं यहां पर, नोट डाउन कर देते हैं कि 2:05 पे हमारा जो एंगल बना है वो कितना बना है 32.5 डिग्री। तो आपकी समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले में रख के हम दो सुइयों के बीच में एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं। एच की जगह आवर्स, मिनट की जगह एम फॉर्मूले में रखेंगे, इनके बीच का एंगल आ जाएगा। अब बात आती है क्या हमेशा आएगा, नहीं हमेशा नहीं आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं आपके बिल्कुल सारे के सारे बेसिक क्लियर कराना चाहता हूं। पहले अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि घंटे की सुई घड़ी में दो सुइयों के बीच बना हुआ अधिकतम मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, दो सुइयों के बीच में मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए आपका आंसर क्या होगा। तो दो सुइयों के बीच मैक्सिमम जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है 180 डिग्री का एंगल बन सकता है, इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि 180 पे ये जब हमारे 6 बजते हैं या 6:30 बजते हैं तो कितना होता है हमारा 180 डिग्री का, लेकिन अगर ये सुई यहां पर आ जाएगी तो फिर तो ये ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं 180 से ज्यादा नहीं होगा। फिर हम एंगल जो मेजरमेंट करेंगे यहां से करेंगे इस साइड से, और इस साइड से 180 से कम हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से आया हुआ है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि घड़ी के डायल में मैक्सिमम 180 डिग्री का ही एंगल बन सकता है, उससे ऊपर एंगल नहीं बन सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको एक टाइम देता हूं, और टाइम है आठ बजे का ही टाइम मान लेते हैं कि 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आप इस फॉर्मूला में रखिए और आंसर बताइए कि कितने डिग्री का होगा। तब तक मैं देखता हूं कि आप का आंसर क्या होगा। आप मुझे बता नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद कोशिश कीजिए, कॉपी में रख के खुद कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मूला में रखकर 8 बजे कितने डिग्री का एंगल दोनों के बीच में होगा, वो निकाल के देखिए कितना होगा। आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, कोशिश करिए।
कितना आंसर आ गया, 8 × 3 = 24, 240 डिग्री। कैसे, मिनट की जगह तो 0 होगा, आवर्स की जगह 8 होगा, रखेंगे इसमें तो 8 × 30 + 0/2 − 0/6, तो ये तो सब 0 हो ही जाना है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 240 डिग्री। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि एंगल किसी भी घड़ी के अंदर 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि यहां पे आके ये फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर कैसे करेंगे, अगर हमारा 180 डिग्री से अधिक कोई एंगल आ गया तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि 360 में से ये जो एंगल आया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितने आ जाएंगे, 120 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8 बजे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप यहां से एक चीज समझे कि इस फॉर्मूला में रखने पर यदि वैल्यू हमारी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, वही एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूला में रखने पर हमारी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आती है तो हमको वो एक बार और 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसका सही, जो उसकी बिल्कुल सही फॉर्म है वो बता सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर ही, मैं आपसे कहने लगूं जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि 11:05 पर दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो टाइम है 11:05, रखेंगे फॉर्मूला में 11 × 30 + 5/2 लगभग 5 × 6। यहां तक किसी प्यारे भाई को कोई दिक्कत नहीं है, 11 × 33 = 330 + 2.5 − 6/5 = 30, ये हो जाएगा हमारा 32। लाइट तो नहीं आ गई, 332.5 − 30, सोल्व करेंगे तो 302.5 आ गया। अब जैसे ही हमारा 180 से ज्यादा आया हमको ये फिर से 360 में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 360 में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 302.5 को, तो मेरे होनहार विद्यार्थियों 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 5, तो आंसर आ रहा होगा 57.5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 11:05 पर जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 57.5 डिग्री, 57.5 डिग्री एंगल बन रहा होगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूला में रखकर अगर 180 से नीचे है तो डायरेक्ट ऐसे ही बता देंगे, लेकिन अगर 180 से ऊपर है तो 360 में से एक बार उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम अपना आंसर इजीली बता सकते हैं। ये बात हो गई इसकी डिटेल की, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम बिना इंक, बिना कॉपी पेन उठाए किस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने सारे के सारे टाइम इधर लिख दिए हैं जो भी हमने फॉर्मूले से निकाले थे, और अब बिना फॉर्मूले के हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो सीखते हैं। फॉर्मूले को खत्म कर देते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था सिर्फ। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा घड़ी के अंदर समझते हैं,
थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं इस चीज को, उसके बाद ओरल आप कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा आपको। सपोज करो हमें पहला टाइम निकालना था, क्या था, 7:10, तो 10 मिनट पे हमारी सुई कहाँ होगी, यहाँ, और 7 पर कहाँ होगी, 7 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि ये 10 मिनट जब यहाँ से यहाँ चलेगी तो थोड़ी सी सुई घंटे वाली ऊपर चढ़ेगी, यानी 7 से थोड़ा सा आगे होगी। अब हम देखते हैं कि 7:10 से 10 मिनट से कहाँ है, यहाँ से जब ये सुई घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आई होगी तो कितने डिग्री चली होगी, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 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 30 डिग्री। लेकिन उसके साथ साथ ये यहाँ से अगर 7 बजे यहाँ थी तो इतना एंगल और चल गई है, इतना एंगल और चल गई, और ये जो ये एंगल है ये कितनी देर में चली है, 10 मिनट। अगर 7 बजे होते तो 7 बजे क्रैक किए 7 के ऊपर होते, लेकिन अब टाइम क्या हो रहा है, 7:10, तो 10 मिनट अगर ये इधर चली है तो 10 मिनट में घंटे की सुई भी इधर से इधर चली है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, तो आप बोलोगे कि 1 मिनट में चलती है 0.5 डिग्री, तो 10 मिनट में कितनी चली जाएगी, यानी कि 5 डिग्री, यानी कि 5 डिग्री और यहां पर चल रही होगी। तो अगर मैं अब इसको काउंट कर रहा हूं तो 30, 60, 90, 120, 150 और 5, 155 डिग्री, और आप देख रहे हो यहां पर भी कितना है हमारा 155 डिग्री, यानी कि हम ओरल बता सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो, 155 डिग्री का एंगल वो बना देगी। अब इसको ओरल कैसे करेंगे, टाइम है हमारा 7:10, इस तरह से सोचना है तुम्हें, 10 मिनट ना इस तरह से सोचिए तुम कि जब 10 मिनट पर की बात होगी तो घड़ी की सुई कहाँ होगी, बेसिकली 2 पर होगी, अगर 10 मिनट की बात हो रही है तो कहाँ पर होगी, 2 पर होगी, तो 2 से 3, 4, 5, 6, 7 कितनी ट्रम चलेगी, 5 ट्रम, और 1 ट्रम में घंटे की सुई कितना ट्रम चलती है, 30 डिग्री, तो 5 ट्रम में कितना चली जाएगी, तो आप कहोगे कि 5 × 15 यानी कि 150, अगर 150 चल गई तो फिर हमें देखना है कि मिनट कितनी चली है उसने, 10 मिनट चली है अभी, 10 मिनट में भी कुछ चली होगी, और कितनी दूरी चलेगी 10 मिनट में, यानी कि मिनट की आधी यानी कि 5 डिग्री और चल गई होगी, तो 150 तो वो और 5 डिग्री वो, तो टोटल कितनी चल गई, 155 डिग्री। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि उसने कुल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो कितना एंगल बनाया है 155 डिग्री का। जैसे कि अभी ये बात समझ में आई होगी, ये उदाहरण जो मैंने यहाँ पर लिख रखे थे ये दोबारा देखते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम निकालने लगे 8 बजे कितना एंगल होगा, तो 8 बजे अगर मैं इसमें यहाँ पर समझाऊँ तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं फिर ओरल देखते हैं। 8 बजे हमारा इस तरह से होगा, तो जब ये मिनट की सुई 12 पे होगी तो ये एक्यूरेट किस पर होगी, 8 पर, तो 8 से 9 1 ट्रम, 9 से 10 2 ट्रम, 10 से 11 3 ट्रम, 11 से 12 4 ट्रम, तो 30 डिग्री यहाँ चल जाएगी, 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ होगा, 30 डिग्री डिफरेंस यहाँ और 30 डिग्री डिफरेंस यहाँ, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और जो हमने फॉर्मूले से निकाला है वो भी कितना है हमारा, 120 डिग्री। और अब कैसे करेंगे, जब 8 बजे पर है, 8 बज रहे हैं करेक्ट, तो दूसरी मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पर, और 8 वाली घंटे वाली सुई कहाँ होगी, एक्यूरेट 8 पर, तो 8 से कितने ट्रम चलनी है, 8 से 9 10 11 12 4 ट्रम चलनी है आगे की तरफ। जब 4 ट्रम हम आगे की तरफ चलेंगे तो 1 ट्रम में कितने डिग्री चलेंगे, 30, तो 4 ट्रम में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120। इस तरह से हम इसे ओरल निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हम निकालते हैं 2:05 पर कितना टाइम होगा। पहले मैं यहां समझाता हूं फिर मैं ओरल आपको बताऊंगा कि ओरल कैसे कर सकते हैं। 2:05 का हम देखते हैं, यहां पर अगर मैं इसको ड्रा करूं 2:05 का टाइम, तो कुछ टाइम इस तरह से ड्रा हो जाएगा भाई कि मिनट वाली सुई तो 1 पर होगी और घंटे वाली सुई 2 पर ना होके 2 से थोड़ा सा आगे होगी, थोड़ा सा आगे होगी। उसका रीजन क्या है कि ये 5 मिनट चल चुकी होगी, तो 5 मिनट में थोड़ा बहुत तो आगे खिसकेगी। अब एक्यूरेट देखो तो मान लेते हैं कि एक्यूरेट ये यहाँ पर होती, अगर 2 बज रहे होते
तो यहाँ पे होती, लेकिन ये 2-5 पे यहाँ से खिसक के यहाँ गई, यानी कि इतना डिग्री और एक्स्ट्रा चल गई। अब एक बात बताइए, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री, तो 5 मिनट में कितना चल गई होगी, 2.5 डिग्री। तो ये जो ये डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा हमारा, 2.5 डिग्री, और एक और दो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमारा, 30 डिग्री। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 32.5 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ओरल कैसे करेंगे, जैसे ही 2-5 आया हमारे दिमाग में घड़ी की इमेज बननी चाहिए कि एक सुई 2 पर होगी और एक होगी 5 पर, क्या पर क्या वो एक्यूरेट 2 पर होगी, नहीं, वो 2 से थोड़ा सा आगे खिसकी हुई होगी। तो पहले हम एक और 2 के बीच में देखते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक और 2 के बीच में बनेगा हमारा 30 डिग्री का एंगल, लेकिन वो 2 से थोड़े से आगे खिसकी हुई है, कितने डिग्री, कितने मिनट, 5 मिनट आगे खिसकी हुई है, और एक मिनट में कितनी डिग्री चलती है, आधे डिग्री, तो 5 मिनट में कितनी खिसक गई होगी आगे की तरफ, यानी कि 5 का आधा 2.5 डिग्री, तो 30 डिग्री वो, 2.5 डिग्री वो, यानी कि टोटल कितना बना देंगे वो, 32.5 डिग्री बना देंगे। धीरे धीरे आप बात को समझ रहे हो कि हम किस तरह से ओरल निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, 8:05 हो गया, 8 बजा हो गया, 8:20 का देखते हैं। तो 8:20 अगर हम ओरल निकालें तो एक सुई कितने पर होगी, 4 पर, एक सुई कितने पर होगी, 8 पर, तो 4 से कहां पर पहुंचेगी, 8 पर, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 से 5, 6, 7, 8, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिजिट का डिफरेंस है, 4 डिजिट का, और एक डिजिट में कितने का एंगल होता है, 30 का, तो 4 में कितने का हो जाएगा, 120 का, लेकिन क्या वो एक्यूरेट 8 पर है, वहां पर 8:20 पर 8 मिनट पर है, वहां 8 वो घंटे वाली सुई 8 पर है, आप बोलोगे नहीं, वो 20 मिनट में थोड़ा आगे खिसक गई होगी, और 20 मिनट में कितने डिग्री आगे खिसक गई होगी, जितनी उसकी मिनट है उसकी आधी, यानी कि 20 मिनट है तो 20 की आधी यानी कि 10 डिग्री आगे खिसक चुकी होगी, तो 120 तो 4 और 8 के बीच में, और 8 से आगे कितने डिग्री खिसक चुकी है, वो 10 डिग्री, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, 130 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 130 डिग्री। आप देख रहे हो इजीली हम इस तरह से एंगल निकाल सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा बिना फॉर्मूला के। ओरल नेक्स्ट देखते हैं हम 11:05 पर, इसको थोड़ा मैं यहां समझाता हूं, फिर मैं इसको ओरल बताऊंगा कि ओरल कैसे करेंगे। जैसे मुझे 11:05 अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं कि 11:05 किस टाइम सुई कहां पर होगी, तो आप बोलोगे कि भाई एक सुई तो होगी 1 पर, मिनट वाली सुई तो, और घंटे वाली सुई 11 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि अगर ये मिनट वाली सुई 12 पर होती तो एक्यूरेट ये 11 पर होती, लेकिन ये 5 मिनट चल चुकी है तो ये घंटे वाली सुई भी 5 मिनट चल चुकी होगी, तो थोड़ा सा चल चुकी होगी, थोड़ा सा 11 से आगे निकल गई होगी। अगर मैं एक्यूरेट 11 पर नाप देखता हूँ तो 11 पर यहाँ होता, लेकिन ये 11 से थोड़ा सा आगे, इतने डिग्री का एंगल ये एक्स्ट्रा चल चुकी है। अब जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैं देखता हूँ कि 1 और 11 के बीच में, यानी 10:11:05 में कितने ट्रम है इनके बीच में, 1 और 2, एक ट्रम पे कितने का एंगल होता है, 30 डिग्री का, तो इन 2 ट्रम पे कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री का। तो क्या एक्यूरेट 60 डिग्री है एंगल, नहीं, आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमने तो 11 बजे से नाप दिया, लेकिन ये तो 11 से आगे चल चुकी है, थोड़ा एंगल फालतू चल चुकी है, और कितना एंगल फालतू तो चल चुकी है, जितनी इसने मिनट चली है उसका आधा, मिनट कितनी चली है, 5, तो 5 का आधा 2.5, यानी कि ये जो ये एंगल है ये 2.5 हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो इसको यहाँ से घटा देंगे, क्योंकि ये हमारा इसमें ऐड है और ये हमारा चल चुकी है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2.5। जब इसमें से हम 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57.5 डिग्री, यानी कि 11:05 पे जो हमारा दोनों घड़ियों के बीच एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 57.5 डिग्री। हम देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूले से निकाला था वो भी 57.5 डिग्री था। ओरल कैसे करेंगे, 11 और 5, यानी कि एक सुई 11 पर दूसरी 1 पर, कितने डिजिट का डिफरेंस है, 11 से 12 1, 2 डिजिट का डिफरेंस है, एक डिजिट पर 30, 2 डिजिट पर 60, लेकिन क्या एक्यूरेट 60 होगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा आगे खिसक चुकी है, और कितनी खिसक चुकी है, 5 मिनट, और 5 मिनट में कितनी डिग्री खिसक चुकी है, मिनट की आधी यानी कि 2.5 डिग्री। तो हमने ले रखा है 1 से और 11 के बीच में, लेकिन वो तो 11 से आगे चली गई, कितनी, 2.5 डिग्री, तो 60 में से 2.5 डिग्री घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 57.5 डिग्री। इस तरह से हम ओरल बिना कॉपी पेन उठाए, हम कोई भी टाइम,
कोई भी टाइम हमसे पूछ ले और उस टाइम पर हमारे दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच में एंगल पूछेगा तो हम इजीली बता सकते हैं। इस तरह की आप और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में, और फिर आप ओरल कोई भी चीज़, कोई भी एंगल ओरल बता सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों कुछ ऐसे टाइम लेते हैं, जैसे अभी तक हमने जितने भी टाइम निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं कि ये मिनट की सुई एग्जैक्ट किसी ना किसी नंबर पे थी, जैसे कि एक पर, दो पर, पाँच पर, चार पर, यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। लेकिन अगर एग्जैक्ट किसी नंबर पे ना होकर टाइम इस तरह से हो कि जैसे हमें निकालना है 10:13 पर दोनों सुई घड़ी की सुइयाँ कितना एंगल बनाएंगी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि जब हमारी मिनट की सुई एग्जैक्ट किसी नंबर पर ना हो तो उसको कैसे करेंगे, उसको पहले मैं घड़ी के अंदर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ओरल बताऊँगा कि ओरल कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूँ 10:13 की कि 10:13 पर अगर मैं घड़ी की सुइयाँ देखूँ तो किस तरह से होंगी, इस तरह से, यानी कि घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 10 पे होगी क्या, तो आप कहोगे नहीं, 10 से थोड़ी सी आगे खिसकी हुई होगी और ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं लेता हूँ 10 बजे से ही, तो 10 से 11 तक कितना एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री, 11 से 12 30 डिग्री, 12 से 1 30 डिग्री, और 1 से 2 30 डिग्री। तो यानी 10:10 तक तो हमारा बन गया कि ये एंगल, लेकिन हमें 10:13 तक करना है। अभी मुझे कितने मिनट चलाने और पड़ेंगे, 3 मिनट, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना चल जाएगी, 18, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना बनेगा हमारा, 18। अब अगर मैं इसको जोड़ूँ, काउंट करूँ, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 120 और 18, 138, तो एंगल कितना बन गया, 138 डिग्री। तो क्या ये राइट है, आप कहोगे भाई अभी राइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये 10 बजे होते तो ये एक्यूरेट 10 पर होती, क्योंकि मैंने ये कहाँ से ले रखे हैं, 10 बजे से ले रखे हैं, तो एक्यूरेट 10 पर होती। लेकिन ये 13 मिनट आगे चल चुकी है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट 10 पे ना होकर थोड़ी आगे खिसक गई होगी, तो ये एक्यूरेट 10 यहाँ होता लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा आगे खिसक गई, यानी इतना एंगल और चल चुकी है ये, और ये जो एंगल चला है ये इसने कितने मिनट में चला है, 13 मिनट में, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना एंगल चलती है, तो आप बोलोगे कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 13 मिनट में कितना चल जाएगी, 13 का आधा यानी कि 6.5 डिग्री, 13 मिनट में कितनी चल जाएगी, 6.5 डिग्री ये और चल चुकी होगी। तो ये जो हमने यहाँ पर फालतू ले लिया है 6.5, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गया 1, 3, 1, यानी कि हमारा कितना एंगल बनेगा, 131.5 डिग्री का एंगल इसमें बन जाएगा। ओरल कैसे करेंगे, जैसे ही 10:13 की बात आई तो सबसे पहले हम 13 से पहले यानी कि 10 पर रुकेगी सुई, 2 पर, तो 10 से 11, 12, 1, 2, 4 टर्म चलेगी, 4 टर्म में 1 टर्म में 30 चलेगी, तो 4 टर्म में कितना चल जाएगी, 120 डिग्री चल गई। लेकिन हमें 10 मिनट तक ना चला के चलानी कितनी है, 13 मिनट तक। अब घड़ी की जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, तो अगले 3 मिनट में कितना चल जाएगी, 18, तो 120 वो और 18 वो, तो कितने हो गए, 138। तो क्या एक्यूरेट है 138, नहीं, क्योंकि वो 10 से थोड़ा सा आगे खिसक गई है, और कितने मिनट तक खिसकी है, 13 मिनट तक आगे खिसकी है, और 1 मिनट में कितना चल खिसकती है आगे, आधा डिग्री, तो 13 मिनट में कितना खिसक जाएगी, 6.5, यानी कि हमने 6.5 डिग्री फालतू ले रखा है, तो उसको 138 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 138 में से 6.5 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 131.5 डिग्री, बिना किसी फॉर्मूला के हम इजीली कोई भी एंगल दो घड़ियों के दो सुइयों के बीच का एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, और जब अब आप कोई भी टाइम निकालोगे तो आपको सिर्फ यही रखना है कि दो डिजिट के बीच में 30 डिग्री का एंगल हमको लेना है, और उसी के हिसाब से हम बिना किसी फॉर्मूला के हम इजीली कोई भी एंगल बता सकते हैं कि दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है ओवरलैप वाला, कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल
ऊपर आती हैं, यानी कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कब कब होता है वो मैं बिना फॉर्मूले के इसी तरह से आपको बताऊंगा, सिर्फ एक सेकंड में, सिर्फ एक ही सेकंड लगेंगे आपको और आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे कि कब ओवरलैप होंगे। जैसे कि मैं पूछने लगूं कि 3 और 4 के बीच में कब एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, तो आप सिर्फ एक सेकंड में आंसर दे दोगे क्या कि 3:180 बटे 11 मिनट पर। सिर्फ एक सेकंड में देखोगे आंसर क्वेश्चन और तुरंत आंसर। जैसे मैं पूछने लगूं कि 5 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, यहां कर देते हैं 5 और 6 के बीच में कब ओवरलैप होंगे, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि 5:300 बटे 11 मिनट पर। तुरंत के तुरंत आंसर बिना कोई फॉर्मूला लगाए, सिर्फ देखते के साथ ही आंसर दे दोगे और वो मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, कोई स्टडी ग्रुप्स आपने बना रखा है तो उसमें शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से बना सकूँ। थैंक यू, जय श्री राम भाइयों।